चामोशी गांव में ग्राम पंचायत के माध्यम से तालुका के हर गांव के नागरिकों को स्ट्रीट लाइट प्रदान की गई है। हालांकि बिजली बिल का भुगतान न करने के कारण तालुका के कुछ गांवों में स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति बिना किसी पूर्व सूचना के काट दी गई और सुचारू करने की मांग की गई। इस पंचायत समिति के अंतर्गत प्रत्येक में 186 गांव और 75 ग्राम पंचायतें हैं, जबकि ग्राम पंचायत को यह सूचित नहीं किया गया था कि ग्राम पंचायत द्वारा बिजली बिल का भुगतान किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी लगातार ग्राम पंचायत को परेशान करती रही। बिजली बिल का भुगतान राज्य के कई गांवों में स्ट्रीट लाइट की बिजली आपूर्ति स्ट्रीट लाइट की कमी के कारण काट दी गई है। बिजली वितरण कंपनी के खिलाफ सरपंच संघ के माध्यम से संवाद तेज हो गया है। प्रमोद भगत ग्राम संवाद सरपंच संगठन के विदर्भ उपाध्यक्ष नीलकंठ निखाड़े, तालुका अध्यक्ष वेल्टूर तुकुम, सरपंच दिगंबर धनोरकर, सोनपुर उप सरपंच शेषराव कोहले, सरपंच विवेक भगत गणपुरे, उप सरपंच जीवदास भोयर, सरपंच संघ के सदस्य नंदा जुवारे, बेबी कराड़े, पूर्व सरपंच सुनील कन्नाके आदि उपस्थित थे। तालुका में ग्राम पंचायत के तहत गांव में स्ट्रीट लाइट का भुगतान सरकार द्वारा मार्च 2021 तक किया गया था, लेकिन अब अप्रैल 2021 से ग्राम पंचायत को भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन इस तथ्य के कारण कि ग्राम पंचायत के पास नहीं है पर्याप्त धन, गांव में बिजली की आपूर्ति, सवाल यह उठता है कि क्या गांव वालों के लिए गांव को तोड़कर अंधेरे में डालना अन्याय नहीं है? चामोशी से बीसीएन न्यूज़ के लिए बबन वडेट्टीवार की रिपोर्ट।